बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कब सुनो खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्किप नहीं करके वीडियो को पूरा देखिएगा। आप में से लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाइम जो है ना हो गया हुआ है 2:30 का। तो आज जो है ना वीडियो मैंने थोड़ी लेट ही शुरू की है, सुबह काम शाम करके ना ऐसे टाइम पास कर रहे थे, कोई भी और जो है ना समझ नहीं थी आ रही क्या करें क्या नहीं करें, कौन सी वीडियो बनाएं कौन सी नहीं। तो ऐसे जो है मैं लेटी हुई थी, तो अभी जो है बाहर आई हूँ खेतों में। 2:30 हुए हैं, अभी जो है मैंने वीडियो शुरू की है। अभी जो है ना काम था थोड़ा सा खेतों में, वो जो है ना करने आया। कौन सा काम करने आया वो मैं आपको दिखाती हूँ, साथ साथ जो है करते भी आपको भी दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको दिखा दूँ, जो हमने अपना लहसुन लगाया था ना, देखी थी आपने वीडियो, वो माशाल्लाह से हमारा जो है ना कितना बड़ा बड़ा हो गया भाई, ये चेक करें। और मेरे ख्याल में 1.5 हफ्ते तक इसको जो है ना पहली गोडी भी करनी पड़ जानी है। तो माशाल्लाह जो है ना सही हो गया। जिस दिन हमने लगाया था ना उसके बाद जल्दी बारिश हो गई थी, पानी भी लगाया था लेकिन उसके बाद बारिश भी हो गई थी। तो यहाँ से लेके ना वो एंड तक जो है ना लगाया लहसुन, तो हमें ये था ख़राब हो जाना। पानी पहले भी लगा दिया था, बारिश भी हो गई है, तो नहीं जो है ना माशाल्लाह से सही जो है ना उग गया लहसुन हमारा। काम जो करने आए बाहर खेतों में, जब हमने लहसुन लगाया था मैंने बताया था कि हम थोड़ी बहुत जो है इधर अपनी सब्जियां भी लगाएंगे, तो वो जो है आज सब्जियां लगाएं, कौन सी सब्जी लगानी है वो साथ साथ लगाती हूँ दिखाती भी हूँ। तो उसके लिए जो है ना अब्बू जी यहाँ पे जगह बना रहे हैं, इस जगह पे जो है ना लगानी है सब्जी जो हम लगाने लगे हैं। तो अब्बू जी जो है ना हाथ के साथ यहाँ पे वो बनियाँ बना रहे हैं, जैसे ये बनी हुई है ना, ये उसी तरह जो है ना पहले भी देखें कितने अच्छे तरीके से ये जगह साफ़ की है, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह बनाई है, और अभी जो है ना हाथ के साथ ही वो बना रहे हैं। और मौसम जो है ना आज फिर बारिश वाला बन गया है, बादल बने हुए हैं, बारिश बताई भी हुई है, तो इसलिए जो है जल्दी जल्दी आए हैं कि लगा। अभी मतलब था कि 2-3 दिन तक अभी नहीं थी लगानी, तो मौसम देखा बारिश का, तो मुझे कह रहे थे लगा देते हैं ये ना बाद में बारिश हो जाए और ज़मीन जो बनाई हुई है सब्जी लगाने के लिए फिर से ख़राब हो जाए, तो फिर ज़्यादा वेट करना पड़ना है, तो जो है लगा देते हैं, उसके बाद बारिश आ भी जाएगी तो कोई नहीं खैर ही है। और सब्जी जो लगानी है ना वो है जी आलू लगाने हैं इधर, और ये है जी आलुओं का बीज, ये जो है लगाने हैं इधर, और ये जो है ना इस तरह बनिया बना के ऊपर लगते हैं, तो वही जो है ना देखें कितनी प्यारी और अच्छे तरीके से जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी अब्बू जी बना रहे हैं, बनाते हैं ना फिर ऊपर ऊपर ये लगाते हैं इनके ऊपर ऊपर। जेड़ा मर्जी पासा रहा किला हड़ो फुल दबने थले मिट्टी दे। इधर वे हस जोर दी और जोर दी, जिन्नी जोर दी हसे होने सही आलू उगन गे, और जोर दी बस होर चल ठीक हूं उग पैन गे। घर वेखे साडा जरा चूना ही फेर है सोना बने किन्ना सोना। आलू मैं लगा तो रही हूँ, तो यहाँ से मैं जो ना याद रखना है कौन सी लाइन पे मैंने लगाए हैं, भला उगते भी हैं सही से कि नहीं, अल्लाह करे उगी जाए। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू किए हैं। अब्बू लोग जो है बनिया बनाते जा रहे हैं और हम जो है इधर साथ साथ लगाते जा रहे हैं आलू।
जल्दी काम खत्म हो जाएगा। इथे अल्हम्दुलिल्लाह जी, आलू जो है ना सारे इधर हमने लगा दिए हैं। बाकी और भी सब्जियां लगानी है, फिलहाल तो आज सिर्फ आलू ही लगाए हैं। जो भी सब्जियां लगाएंगे ना बाद में, भी शलजम मूलियां वगैरह वो सारा कुछ अभी जो है ना हमने लगाना है। धनिया पालक लहसुन बस लगा दिया, धनिया पालक मेथी मेथे इनमें से अभी कोई चीज़ भी नहीं लगाई। ये सारी चीज़ें अभी हमने जो है लगानी है। आज जो है सिर्फ आलू ही हमने लगाए हैं। आलू जो है ना इधर सारे हमने लगा दिए हैं। पहले जो है एक दफ़ा अबू जी ने वो जंदरे के साथ पता नहीं किधर रखा है, वो जो बना रहे थे ना बनी है उसके साथ बनाई है। पीछे पीछे हमने आलू लगाए हैं तो फिर से दोबारा जो है ना अबू जी अभी कई ले के ना तो कई के साथ दोबारा ऊपर जो है दोनों साइडों से मिट्टी उठा के ना ऊपर रख रहे हैं। हमने भी जब आलू लगाए थे ना साथ साथ ऊपर से सारे कवर किए थे, ऊपर से मिट्टी ऊपर रखनी थी आलुओं के बीज के ऊपर, तो दोबारा फिर जो है अबू जी कई के साथ एक दफ़ा सही से कर रहे हैं। और मज़ीद जो है ना अभी ज़्यादा ये नीट और क्लीन बन गई हैं, जो खेले बनाई हुई हैं ना ये चेक करें। जिनके ऊपर लगाए हैं ना ये अभी चेक करें, थोड़ी छोटी छोटी हैं। लगाने के बाद अब्बू जी दोबारा जब मिट्टी ऊपर रख रहे हैं ना तो फिर जो है ना चेक करें कितनी जो है ना ये प्यारी लग रही हैं, बड़ी बड़ी। और इस टाइम जो पीछे से दरख्तों पे बैठे मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें आ रही ना, मज़े मज़े की, सही बात है, इतनी पुरसकून आवाज़ें आ रही हैं। मौसम भी एक मज़े का ना, मतलब फुल धूप है, हल्के हल्के जो है ना बादल बने हुए हैं, ठंडा ठंडा थोड़ा थोड़ा मौसम, ठंडा गर्म मौसम है, और साथ में जो है ना सिर्फ परिंदों की आवाज़ें जो है ना आ रही हैं मज़े मज़े की। दिल कर रहा बंदा बैठ के सुकून से जो है ना सुनता जाए। लगा भी रहे थे ना, बड़ा मज़ा आ रहा था आलू लगाने का, साथ साथ आलू लगा रहे थे, साथ उन्हें सारा ध्यान उनकी आवाज़ों की तरफ था, साथ में ना हल्की हल्की सी हवा ठंडी। आलू का जो बीज हमने लगाया ना उसमें से थोड़े ये जो आलू है ये खराब हो गए हुए थे, ये हमने अलग कर दिए हैं, फेंक दिए हैं इधर। आलू मैंने लगा तो दिए हैं, अभी आप लोग भी जो है दुआ करना उग जाएं, क्योंकि पिछले साल जो है ना जब सब्जियां लगाने का मौसम था ना तो हमने जो है ना शलजम और मूलियां लगाई थी। मैं गोंगलू लाए हैं तो मेरे जो गोंगलू जो है ना जो मैं लाए हैं वो ना उगे, खतीजा ने मूलियां लाई हैं ना, खतीजा जो मूलियां उग गई हैं तो पूरा सीजन जी नहीं दे रहा है ना गोंगलू मूलियां का, पहले चमदे रहे हैं खेतों से लैन सब्जी, तो बड़ी मेरी बेइज्जती होंगी यही कि मेरे हाथों से गोंगलू ना उगे। तो हूँ जरा मैं नाल दुआ मांगनी हाँ भी बिस्मिल्लाह वार के शुरू किया है कि अल्लाह सुने आलू हूँ मेरे हाथ दिल लगे उग जाए, तो बिस्ती जरा ना ना हो तुम भी जरा दुआ करो मेरे वास्ते कि मेरे हाथ दिल लगे आलू उग जाए। ऐ नहीं कि मेरे हाथ दिल लगे ना गोंगलू ना उगे, थोड़ा मतलब ना बीज का ही कोई इशू ही तद ना उगे, बस एक गल बन गई ना कि तू गोंगलू लाए ने तो उगे नहीं, तो हम वेखने आलूओं वाली की हिसाब हूँ जो मेरे हाथ लगे आलू भी ना उगे तो फिर मेरे हाथ से कोई मसला है, बीज में कोई मसला नहीं, लेकिन बीज तो ही मेरे को एक है भी मतलब कि तुम्हें वाया ना जो थोड़े खराब बनो बाहर कट सरे ने आलू बीज हो तो फिर ए बहाना ला लाँगे, अल्लाह ना करे जो ना उगन गए तो फिर ए बहाना ला लाँगे कि आलू थोड़े खराब बन नहीं लेकिन उग जाने, क्योंकि
मेहनत कराते हैं तो फिर ना उगन कितने यू ना हो एक ही बने हैं, एक ही बनाया है घर तो कुर्सी एडी उची बना रही है, हैं कमीज थले छड हां इधर आ की बनाया यो केरा घर मेरे घर दे नाल घर बना ले आई ऐ बाहर कड हां जिंज पहला बनाई ही ना कुर्सी हूं जी ठीक ही वो अगलिया ईटा दो ला हर उतू जाके बड़ी देर की जो है ना इधर वो कुर्सी सी बना के ना ऊपर बैठ के अकेली जो है ना खेल रही थी अगलिया अगली लाइन चुला दो उत्तों ए वाली ला हूँ बह गया इत हूँ तो बन गई कुर्सी एंज जब हम छोटे छोटे होते थे ना इन इनके जितने हम भी जो है ना ऐसे ही कहीं इस तरह ईंटें भरी होनी किसी की तो इसी तरह जो है ना घर बनाते थे ईंटों के और जो है ना रेत भरी होनी रेत के घर मिट्टी के घर वो अगर किसी ने बनाए होंगे किसी को याद होगा कि पाँव मतलब रेत भरी होनी तो रेत के अंदर ऐसे पाँव रख के ऊपर सारी जो है ना मिट्टी डाल के या फिर रेत डाल के जो है ना बाद में पाँव बाहर निकाल लेना और वो जो है ना वो छोटा सा घर बन जाता होता किस किस ने जो है ना वो रेत का घर बनाया होगा कमेंट में जो है ना फटाफट से बताएं। तो ये थी ना आज की छोटी सी मजेदार वीडियो, लेकिन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी गलती हो तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में, जाने को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।